नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अहोई अष्टमी की पूरे देशवासियों को, माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अहोई अष्टमी का व्रत आपका सफल हो, यही हमारी कामना है। अहोई अष्टमी की जब हम बात करते हैं तो ये व्रत करवा चौथ के व्रत के चौथे दिन, चार दिन बाद आता है। और अगर हम दीपावली की बात करते हैं तो ये आठ दिन पहले आता है। ये व्रत बहुत महत्व व्रत होता है। महत्वपूर्ण व्रत के साथ साथ ये बहुत ही श्रद्धा भाव का भी व्रत होता है, इमोशंस का व्रत भी कहते हैं इसे। यानी ये व्रत खास करके पुत्रों के लिए रखा जाता है, अपने पुत्र संतान के लिए रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुत्र संतान की ही उत्तम कामना की हर कोई बात करता है। पुत्र स्वस्थ रहें, लेकिन पुत्रियाँ भी तो उतनी ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो बहुत सारी महिलाएँ अपने पुत्रों और पुत्रियों के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। देखिए, संतान व्रत की ये कामना की जाती है। इसमें संतान व्रत, संतान के लिए व्रत रखा जाता है। आप चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, आपके लिए तो दोनों संतान ही उतनी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये व्रत जो है ये बहुत ही शुभ और प्रसिद्ध व्रत माना जाता है। तिथि को डेफिनेटली ध्यान में आपने रखना ही है कि किस समय आपने इस व्रत को करना है और कौन सी तिथि कब लग रही है। लेकिन हम सबसे पहले अगर के हम बात करते हैं कि अहोई अष्टमी के व्रत करते हैं तो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, ये बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। क्योंकि ये व्रत आपकी संतान की जिंदगी में खुशियाँ लाने वाला व्रत होता है। आपकी जिंदगी के साथ साथ आपकी संतान की जिंदगी में कष्टों से बाहर निकालने वाला व्रत होता है ये। तो ये व्रत बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अहोई अष्टमी सोमवार को पड़ रही है, यानी इस बार जो अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा वो 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। और 17 अक्टूबर को ये व्रत जो है सुबह से लेकर के शाम तक का, यानी प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक का ये व्रत होता है। और ये व्रत जो होता है ये बहुत कठिन व्रत होता है। जैसे आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना कि बिना जल का व्रत रखना, ये बड़ी तपस्याओं के व्रत होते हैं। माताएं बहुत तपस्या के बाद इस व्रत को पूर्ण करती हैं। बच्चे चाहे माने या ना माने, लेकिन माता पिता को अपनी संतान का ध्यान रहता ही है। तो आप ये सोचिए बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सोचिए, आज आपकी माता जी ने एक जल की बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है ऐसा हो अष्टमी के व्रत पर। तो सोचिए कितनी ज़्यादा तपस्या के बाद इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। कठिन तपस्याएँ होती हैं। फिर आती है बात कि इस व्रत को सुबह से लेकर के संध्या तक, संध्या मीन्स जब तारों की छांव, तारे निकलते हैं, जब टिमटिमाते हैं आसमान पर, सितारे टिमटिमाते हैं, तो ये उस समय व्रत खोला जाता है। बहुत सारे लोग हैं, कहीं कहीं मान्यता ऐसी भी है कि व्रत को चंद्रमा निकलने तक ही किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो चंद्रमा निकलने तक भी इस व्रत को करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूजा के बाद इस व्रत को तारों की छांव, तारों को देख करके खोला जाता है। तो व्रत रात्रि में चाहे चंद्रमा के अर्घ के बाद खोलें या फिर आप तारों के बाद, विधि विधान तो ऑलमोस्ट ऑल सेम ही रहते हैं। अब जब हम चंद्रमा की बात करते हैं कि चंद्रमा देख करके व्रत हो, तो इस दिन चंद्रमा बहुत देर से निकलता है। बहुत परीक्षा की घड़ियाँ होती हैं, क्योंकि संतान की कामना करना, संतान पाना और संतान की परवरिश सही करना, ये अपने आप में ही चैलेंज होते हैं। और यहाँ इतनी सारी तपस्याएं आप बार बार देते हैं, वहाँ ये चंद्रमा भी आपकी तपस्या लेने लगता है। तो अर्घ देने के बाद ही, दर्शन के बाद भी, चाहे वो सितारों का दर्शन हो चाहे वो चंद्रमा का दर्शन हो, उसके बाद ही व्रत पूर्ण करने का विधि विधान है। तो ऐसे में आपने अगर ये व्रत किया है तो सबसे पहले आप तिथि को समझिए कि किस समय से तिथि कितने बजे तक की है। सोमवार को 17 तारीख की जो तिथि है वो 9:28 से लेकर के 18 तारीख को 11:57 तक की है। यानी जब हम रात की बात करेंगे ना, जब व्रत खोलने की बात करें, अब उदया पे तो नहीं है, उदया पे तो 18 को तिथि मिल रही है, लेकिन ये व्रत जो है 17 को है। क्योंकि अगर हम उदया तिथि को पकड़ते हैं तो दोपहर से पहले ही तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जो अष्टमी तिथि हमें मिलनी चाहिए
रात्रि की पूजा के समय में या तारों के समय, जब हम तारों को अर्घ देते हैं उस समय जो हमें तिथि मिलनी चाहिए वो मिल रही है आपको 17 को, ना कि 18 को। इस व्रत को 17 तारीख को रखा जाएगा और 17 तारीख की रात्रि में तारों की छाओं में तारों को देख करके ही इस व्रत को पूर्ण किया जाएगा, खोला जाएगा। व्रत में सावधानियां रखी जानी चाहिए, व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। वो आप ज़्यादातर जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सताना नहीं है, किसी को तंग नहीं करना है, सोए हुए को जगाना नहीं है और किसी को रुलाना नहीं है। किसी को रुलाना मीन्स कि ऊपर से आंसू से रुलाना नहीं, आंतरिक आत्मा से भी नहीं रुलाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कई बार कि आंतरिक आत्मा से रुला देते हैं, हो सकता है भले के आंसू नहीं भी निकल पा रहे हो तो हमें लगता ही नहीं है कि वो रो रहे हैं, नहीं, लेकिन कई बार हम दिल तक सता देते हैं किसी को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन का शयन आपको परहेज, कभी भी किसी भी व्रत को अगर आप करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें जब भूख लगने लगती है, जब हम मिचलाहट सी होने लगती है कि हम अरे हम इतनी देर से भूखे हैं, तो हम सो करके उसका सहारा ले लेते हैं। ये समय जो है ना 2-3 घंटे सो जाते हैं तो ज़्यादा बेटर है, पता नहीं चलेगा कि टाइम कैसे निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने। एक तरफ आप तपस्या की घड़ी में हैं, एक तरफ आप तपस्या के साथ साथ बहुत श्रद्धा भाव से भी व्रत कर रही हैं, तो वहाँ ये सो करके अपने उस कीमती समय का जो सही यूटिलाइज होता है उस समय का वो आप सही में यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो व्यर्थ में चला जाता है। तो इसीलिए कभी भी आपको सोना नहीं चाहिए दिन के समय। अब संध्या की बात आती है तो गोधूली वेला बहुत उत्तम मानी जाती है। गोधूली वेला के टाइम पर ही कहते हैं कि तब तारे निकलने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं, तभी ही आपको व्रत खोलना चाहिए। क्या करना चाहिए, मुहूर्त क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या होगा और विधि विधान क्या होगा, हम दूसरी वीडियो में बताएंगे और उसमें हम आपको पूरे अच्छे से हम व्याख्यान करेंगे कि किस तरीके से आप इस व्रत का पारण पूर्ण कर सकते हैं इसे, और साथ के साथ आपको खास समय पे अर्घ देने से लेकर के और पूजा का खास समय जो अहोई की पूजा का समय होता है वो आपको खास करके ध्यान रखें, तो हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो जो अहोई अष्टमी की ही है, लेकिन हाँ एक चीज़ का हम खास करके ज़रूर कहेंगे कि आप अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं तो हम वस्त्र किसी भी कलर का धारण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी हम इस तरीके के शुभता के व्रत रखते हैं तो हमें हमेशा शुभता के रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। और जैसा हमने कहा कि इसमें किसी भी तरीके की चूक नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि इस व्रत पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और जिसके लिए व्रत रखा है उसके ऊपर खास इम्पैक्ट पड़ता है, जिस भाव से व्रत रखा है उस भाव से आपको सफलता मिलती है। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।